वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करने वाले हैं। तो बीएसएससी इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा 10/12/2018 का ये जो पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर, इसको हम आज हम लोग कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स का, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य है। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय जो योजना है 2007 से 2012 ईस्वी तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र विकास और आर्थिक समावेशी विकास था। यह जो है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर जो है न्यूनतम है? भारत में किस राज्य की साक्षरता दर क्या है न्यूनतम है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी बिहार राज्य का जो है साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी ओडिशा में स्थित है। ये तो पूछा गया हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स महानदी पर अवस्थित है। जो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर अवस्थित है, और यह किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। यह जो देखिए हीराकुंड बांध है जो विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इनका जो उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चार नंबर, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी भारत ने जीता। इनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो 2017 का जो महिला हॉकी कप जो है भारत ने चीन को फाइनल में हराकर जीता था। यह जो महिला हॉकी कप है यह कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह जापान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पांच नंबर क्वेश्चन, कह रहा है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी में दिया है महादेव गोविंद रानाडे और ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुले। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी ज्योतिबा फुले ने की थी। किसकी स्थापना? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कलेक्शन च्वाइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? कलेक्शन च्वाइस एंड सोशल वेलफेयर जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए में दिया है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी है बिमल जलाना, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी है जगदीश भगवती। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी अमर्त्य सेन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? इंडिया विजन जो है 2020 किसने तैयार किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी श्याम प्रसाद गुप्ता ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आठ नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? मदर टेरेसा अवार्ड जो है 2017 में किसको दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी यूएनएचआरसी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम योजना संबंधित है, संगम योजना जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स दस नंबर, करके आधे इतिहास जो है खाली स्थान और खाली स्थान के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी प्रागैतिहासिक क्या इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किस सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मनोज जोशी, ऑप्शन बी है लक्ष्मण पाई, ऑप्शन सी अनवर जलालपुर, ऑप्शन डी है गुलाम मुस्तफा खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी गुलाम मुस्तफा खान को 2018 ईस्वी में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है कब घटित होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है कब घटित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी अमावस्या के दिन घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो कैसा लग रहा है आपको यह वीडियो? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध? ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है पर्थ, ऑप्शन सी है जोहान्सबर्ग और ऑप्शन डी है साउ पोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी गोल्डन सिटी के रूप में जैसलमेर जो है
प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई, किस राज्य में सर्वप्रथम जो है पंचायती राज की शुरुआत की गई, इसका सही उत्तर हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम खालिस्तान की माँ थी, हमीदा बानो जो बेगम है खालिस्तान की माँ थी, तो किन की माँ थी, ऑप्शन ए है सम्राट बाबर, अकबर, हुमायूं और है जहांगीर, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी सम्राट अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया, ऑप्शन ए 2008 ईस्वी, ऑप्शन बी है 2002 ईस्वी, ऑप्शन सी 2001 ईस्वी और ऑप्शन डी 2004 ईस्वी, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी 2002 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी 1993 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगेश्वरी पहाड़िया जो है कहाँ अवस्थित है, डूंगेश्वरी पहाड़िया जो है कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, तो किस ईस्वी में की गई फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी 1923 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि भूटान की मुद्रा क्या है, भूटान की मुद्रा क्या है, भूटान की मुद्रा क्या, ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है भूटानी डॉलर, ऑप्शन सी है भूटानी रुपया और ऑप्शन डी है न्यूगुल ट्रम, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी न्यूगुल ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल गाल देश का नया नाम है, गाल देश का नया नाम क्या है, ऑप्शन ए है घना, ऑप्शन बी है पोलैंड, ऑप्शन सी है गाम्बिया और ऑप्शन डी है फ्रांस, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम है, नीति आयोग का पूरा नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 23 नंबर, कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 19, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2015 से 16 ईस्वी में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था, तो कौन सा था सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है, तो किस धर्म में सबसे अच्छा है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी ईसाई धर्म। तो कैसा लग रहा है आपको यह वीडियो, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 26 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, मुक्ति दिवस कब मनाया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डेविस कप 2017 जीता, किस देश ने डेविस कप 2017 जीता, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी 152.1 मिलियन किलोमीटर, इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 29 नंबर, कह रहा है कि डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कहाँ अवस्थित है, ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है तेलंगाना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी मोहम्मद यूनिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, खारिया जनजाति जो है मुख्यतः निवास करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी झारखंड में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड, करें कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 यानी 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो किस अनुच्छेद से है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन यानी अनुच्छेद 243 के जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणमान्य भारत वित्त पुरस्कार 2017 किसने जीता, गणमान्य भारत वित्त पुरस्कार 2017 किसने जीता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी हिरोशी मारुई ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि
इनमें से कौन सा जो ग्रह है सबसे अधिक घनत्व वाला है, इनमें से कौन सा जो ग्रह है सबसे अधिक घनत्व वाला है। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है बुध और ऑप्शन डी है शनि। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तरी सागर, ऑप्शन बी है न्यूफाउंडलैंड, ऑप्शन सी है नोवा स्कोटिया और ऑप्शन डी है हडसन की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर है, नोवा स्कोटिया द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी जिनेवा में द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था, किस जिला को जो है आपराधिक जिला घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी सारण जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड 38 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। ऑप्शन ए है सारण, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है दरभंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी दरभंगा जिला में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरिनसर मानसर झील जो है निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, सुरिनसर मानसर झील जो है निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी है असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनात्सा गुच्छू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, पुनात्सा गुच्छू जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए है तिब्बत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है भूटान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी भूटान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं फ्रेंड करें कि धन विधेयक की परिभाषा जो है, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, धन विधेयक का परिभाषा का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 110 में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है विधान परिषद का अध्यक्ष और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी राज्यपाल नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 43 नंबर क्वेश्चन है एडसेट प्रेषित किया गया, एडसेट जो है प्रेषित किया गया। ऑप्शन ए 2010 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 2009 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 2002 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 2004 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी 2004 ईस्वी में प्रेषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है कहां से कहां तक जोड़ते हैं फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर सिटी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी मैगिनोट रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, वर्तमान में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी 31 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब की गई है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी 1948 ईस्वी में घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है तो कौन जानी जाती है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी काइटिन जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता है, किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है चेक गणराज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृष्ण क्रांति जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए है लिंगनाइट, ऑप्शन बी है कार्बोनिक फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है कोयला। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो शासन है कब लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए है मार्च 2014, ऑप्शन बी है नवंबर 2010, ऑप्शन सी है फरवरी 2012 और ऑप्शन डी है नवंबर 2009 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी फरवरी 2012 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओमान की राजधानी है, ओमान की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन ए है औध, ऑप्शन बी है मस्कट, ऑप्शन सी है दोहा और ऑप्शन डी है याना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी मस्कट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? भारत में जो है क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र से शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 55 एंड अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? तो कौन जो है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी यश चोपड़ा, ऑप्शन सी आमिर खान और ऑप्शन डी है देव पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी देव पटेल ने जीता। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रीवियस सेट में। तो जय हिंद जय भारत।